हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फॉर्म भरे पे। दोस्तों आपको बता दें, ASRB नेट जो आपका STO और SMS का जो आपका फॉर्म चल रहा है, उसमें दोस्तों आपको जो पेमेंट है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। आप परेशान हो जा रहे हो कि पेमेंट कैसे करें, ये मैं खुद परेशान हो गया दोस्तों। इसके बाद मैंने जो एप्लीकेशन आपको जो फॉर्म का भर के दिखाया है, उसमें मैंने आधे पे ही रोक दिया है। तो आपको बताने वाले हैं पूरे आपको पेमेंट कैसे जमा करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे आना है। थ्री डॉट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। डेस्कटॉप साइट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरी साइट ओपन हो गई है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे जो आपको लॉगिन आईडी मिला होगा, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिला होगा। जैसे ही आपने अंत तक रुका होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिला होगा, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे चूज कर लें। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करके आपको लॉगिन वाले बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे सारा डिटेल्स रहेगा। यहाँ पे मैं 250 रुपये अपना यहाँ पे जमा करने वाला हूँ, यहाँ पे सीधा लिखा गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे भारत कोष एक यहाँ पे आपको चेकबॉक्स मिल जाता है। इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करके आपको सिलेक्ट भारत कोष प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये ओपन नहीं हो जाता। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे ये भारत कोष की जो ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको फिर थ्री डॉट पे आना है। थ्री डॉट पे आने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट कर लेनी है दोबारा। अब आपको देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका फिर मैं वापस आ गया हूँ, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप किया है तो जो है फिर वापस आ गया हूँ। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करके सिलेक्ट भारत कोष प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन एकदम छोटी हो गई है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, नॉन रजिस्टर्ड यूज़र। आपको इस पर सीधा सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये साइट ओपन नहीं हो जाती है। ये प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा फीस जमा करने में। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले पे आपका इंडिविजुअल रहेगा, ये आपको सही है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे पर्पज़, ये आपको जो यहाँ सर्च दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए आपको इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको थोड़ा सा धैर्य पूर्वक आपको यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि इनका जो साइट है बहुत ही गंदा साइट है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये प्रोसेसिंग नहीं लेता है। मैं आपको, और दोस्तों आप जो है वीडियो को आप वो मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। अब आपको ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे मिनिस्ट्री और यहाँ पे पर्पज़। आपको यहाँ पर्पज़ पे क्लिक नहीं करना है। अब यहाँ का आपको मिनिस्ट्री यहाँ पे देखना है, मिनिस्ट्री पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एग्रीकल्चर, आपको एग्रीकल्चर पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं आपको नीचे बहुत सारा यहाँ पे पर्पज़ मिल जा रहा है, तो आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि यार इनमें कौन सा सेलेक्ट करें। तो आपको नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स मिल रहा होगा, ये सर्च बॉक्स, अब आपको इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपको देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग होने लगी है। आप वेट करिए, धैर्यपूर्वक आप वेट करिए जब तक ये प्रोसेसिंग हो नहीं जाता है। तो मैं वेट कर लेता हूँ दोस्तों जब तक ये प्रोसेसिंग हो नहीं जाता है। तो बता दें दोस्तों, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आप अगर किसी साइबर कैफे या 5G आपका 4G है तो आपको जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मेरा खुल चुका है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करते जाना है। स्क्रॉल करते जाने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे बहुत सारा लंबा लिस्ट मिल जाता है यार यहाँ पे। अब इनमें से आप परेशान हो जाएंगे, कौन सा सर्च करूँ मैं? तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे चार दिख रहा है, चार नंबर, अब आपको चार नंबर पे धीरे से आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको वेट करना है थोड़ा सा जब तक ये प्रोसेसिंग पूरा हो नहीं जाता है। मैं वेट कर लेता हूँ दोस्तों। देखा जाए दोस्तों, एक प्रकार से बहुत ही बेकार इन लोगों ने ये सिस्टम किया है, क्योंकि यार सीधा सीधा आपको लेके आना चाहिए था दोस्तों। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टेस्टिंग फीस, यहाँ पर आपको जो एग्जामिनेशन ARSS नेट STO या फिर ओ है, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा। मैं आपको एक बार अपने जो है PDF में भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों। ARS नेट STO FAO, ये आपका जो है, आपको यहाँ पे मैं PDF भी खोल के रखा हूँ, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको ये है दोस्तों, यहाँ पे PDF खोलने पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी खुला। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट में आपको डायरेक्ट बता दिया हूँ आप कैसे क्या करना है। यहाँ पे नॉन रजिस्टर्ड यूज़र पे आना है, सिलेक्ट इंडिविजुअल पे आना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने जो ये सर्च किया है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये नेट SMS इतना इतना ये है। अब आपको एडवर्टाइजिंग नंबर जो है
ये यहाँ पे देख रहे हैं जैसा मैं आपको दिखाया था अभी, ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको उस जो है वेबसाइट पे मैंने जो दिखाया था उसको आपको मिला लेना है कि यही है कि दूसरा है कोई। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मेरा यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर है ARS नेट STO, ये आपका यहाँ से आपको अपने साइट से भी मेल कर लेना है कि आपका यही है कि कोई दूसरा तो नहीं है। तो जैसे मैं मिला लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे सीधा मिल चुका है। कहाँ गया यार, आइए तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैं हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट फॉर फी ARS नेट STO। अब आपको क्या करना है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी पे आपको जो ये लिंक दिख रहा है आपको इसी पे सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे टेस्टिंग एजेंसी, यहाँ पे PO सेक्टर। अब आपको दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये 4.5.01 है, PO सेक्टर ये है, और ASRB कृषि अनुसंधान, ये आपको मिला लेना है अपने जो PDF है, मैं नोटिफिकेशन का जो PDF है मैं आपको दिखा दूंगा, आप वहाँ से इसको मिला लीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरा जो आपका मैं बताया था PAO नंबर, यहाँ पे 4.0, और ASRB कृषि अनुसंधान, यहाँ पे सिंपली जो है आपका वेबसाइट पे सेम सेम यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी फ़ीस मैं आपको बताया था कि जैसे आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ आपको लास्ट में दिखाया गया था कि आपको इतना फीस जमा करना है, जैसे मुझे 250 रुपये दिखाया था, तो मैं 250 यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ अमाउंट ENR में दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, रिमार्क में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिख लीजिए नेट फी। अगर आप ST क्या बोलते हैं SMS का भर रहे हैं या उसका भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, उसका यहाँ पे नेट फी लिख लेना है दोस्तों। उसके बाद क्या फिर करना है, आपको यहाँ पे एक कैप्चा दिख रहा होगा, आपको कैप्चा यहाँ पे एंटर कर देना है। मैं कैप्चा एंटर करके आपको दिखा देता हूँ, 5EZ6R W। दोस्तों यहाँ पे मैं देख सकते हैं यहाँ पे कैप्चा डाल दिया हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड, अब आपको ऐड पे आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पे कैप्चा डाल के आपको सबमिट करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक डिटेल्स दे देगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन, यहाँ PO नंबर, यहाँ पे DDO, यहाँ पे आप कितना रुपए फीस जमा कर रहे हैं, यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको गलत भर दिए हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिलीट का भी, यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, देख सकते हैं आपको नीचे यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन पे आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिपॉजिटर डिटेल पे आ गए हैं दोस्तों। आपको पहली बता दे रहे हैं, अगर आप जो है कभी यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी परेशानी होगी, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन था वो काम ही नहीं करेगा, बार बार आप वहीं पे खड़े रहो, आपका जो साइट रुक जाएगी। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप शाम को कर रहे हैं तो आप एकदम सुबह करिएगा, आप 6-7 बजे के आसपास करेंगे ना, 6-7 बजे के आसपास करेंगे तो आपका आराम से वहाँ पे सबमिट ले लेगा। जैसा कि मैं यहाँ पे सुबह कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा ले लिया है। तो आपको यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे आप सेकेंड डिटेल्स पे आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपका नाम रहेगा, जैसे आप अपना नाम लिख लीजिए, जो भी आपका नाम अमन है तो अमन लिख सकते हैं, या कोई भी आपका नाम हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, एड्रेस में आपको लिख लेना है, अपने गांव का नाम लिख लेना, आपका पता जो भी हो आपका पता हो वो आपको यहां पे एंटर कर लेना है, जैसे मैं लिख लेता हूं SB कॉलोनी। और उसके बाद दोस्तों एड्रेस टू लाइन ऑप्शन है, ये आप लिख सकते हैं वरना आप यहां पे छोड़ सकते हैं। जैसा दोस्तों मैं ये सैंपल के तौर पर लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पर कोई कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको स्टेट चूज कर लेना है, स्टेट आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको चूज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खुल जाता है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। अब डिस्ट्रिक्ट में उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिटी आ जाता है, अब आपकी जो सिटी है आप जहाँ रहते हैं वो आपको यहाँ पे वो कर लेना है, जैसे कि मैं वाराणसी तो यहाँ पे वाराणसी कर लेता हूँ, वाराणसी। दोस्तों वीडियो को आपको स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पिन कोड आपको डाल देना है, अपने एरिया का जो पिन कोड होता है आपको वो एंटर कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है 10, 10, ये आपको बिल्कुल छोड़ देना है, इसको आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक जो है मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, जो आपका मोबाइल नंबर एक चलता है वो आपको यहाँ पे एक नीचे एंटर कर देना है। जैसा कि मैं सैंपल के तौर पे अगर कर रहा हूँ तो 97, 94, 95, 48, ये मैंने सैंपल के तौर पे जो है मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। अब दोस्तों एक क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी एंटर कर देनी है, कोई भी ईमेल आईडी आप एंटर कर दीजिए, जैसे कि मैं सैंपल के तौर पे कर रहा हूँ ये @
@123। अब यहाँ पे आपको मैं सिंपल के तौर पे यहाँ पे दिखाया हूँ। अब क्या करना है, आपको दो ऑप्शन मिलता है दोस्तों। अगर आपको कुछ इसमें गलती हो गई तो आप बैक जा सकते हैं, और नहीं है तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पे जो है आपका ऑनलाइन पेमेंट रहेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ नेफ्ट RTGS नहीं करना है। आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है नेक्स्ट, उस पर क्लिक कर लेना है। सारा डिटेल्स भरने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये प्रोसेस में है, क्योंकि दोस्तों इनका जो इतना ये घटिया वो वेबसाइट है, क्या बताएं, इस पर जल्दी पेमेंट नहीं हो पा रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। जब भी आप करें एकदम धैर्यपूर्वक करें, तभी आपका यहाँ पे पेमेंट होगा। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये ओपन नहीं हो जाता है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरा जो है अब यहाँ पे होम पे आ गए हैं। होम पे आने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो सेकंड स्टेज था डिपोजिटर डिटेल्स, वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग कन्फर्म इन्फो पर आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पे अपना डिटेल्स आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना कि आपने सही भरा है कि नहीं भरा है। नहीं भरा है तो दोस्तों यहाँ पे आपको बैक मिल जाता है, और अगर आप सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं, नहीं तो एक ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे कंटिन्यू का। आपको कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आप फिर जो है आप यहाँ पे आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है आपको, बता दें यहाँ पे HDFC मिल जाती है, ICICI, कोटक, इंडियन। आपको बता दें दोस्तों ये आपको जो आपको इसमें डेबिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है कि आपको यहाँ पे ये HDFC का होना चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का होना चाहिए, तो आप तभी वो कर पाएंगे। इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों। यहाँ पर आपका क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये रिसीवर है, जैसे HDFC जो है सबसे बेस्ट माना जाता है, तो आपको यहाँ इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। चेकबॉक्स क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। फिर आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल जैसे ही करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं नेट बैंकिंग मिल जाता है, डेबिट कार्ड मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, UPI मिल जाता है। तो आप अगर जहाँ तक हो सके आप नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा दोस्तों, आपका जो पेमेंट है वो सफल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर UPI एक ऑप्शन दिख रहा होगा, UPI इस UPI वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चेकबॉक्स पे जैसे UPI पे चेकबॉक्स है ये, अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक कैप्चा मिलता है, कैप्चा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। मैं फिल कर देता हूँ ताकि आपको आगे का जो है दिखा सकूँ। P9XWF9। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, हमको नीचे आना है। नीचे आने के बाद ए नॉलेज वाले जो आपको यहाँ पे चेकबॉक्स मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे क्या करना है, पे पे क्लिक करना है। पे करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये साइट रीलोड होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कंफर्मेशन यहाँ पे है, इतना रुपए कट रहा है। अब आपको फिर कन्फर्म वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों UPI एड्रेस क्या होता है, जैसा कि आप फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, अमेजन पे चलाते हैं, तो उसकी एक UPI ID होती है। आप किसी से पूछ लीजिए घर में या किसी से दोस्त से, तो वो बता देगा कि आपकी UPI ID होती है। आप जैसे UPI ID में आपको एक एग्जांपल तौर पे दिखा दे रहा हूँ, आप वो कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ कोई UPI ID, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया हूँ, ये एग्जाम्पल तौर दिखाओ। तो आपको क्या करना है, ये वेरीफाई वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। देख सकते हैं ये मेरा गलत है, इसीलिए ये लिया नहीं। अगर आपका सही रहेगा तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, वेरीफाई जैसे करेंगे आपका नाम आ जाएगा, जो आपके गूगल पे फ़ोनपे पर आपका नाम रहेगा वो आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर क्या करना है, जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आपको पे वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है, और उसका जो स्लिप निकलता है फिर उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, वो स्लिप जो आपको डाउनलोड किए हैं, फिर आपको क्या करना है, न्यू टैब खोलना है दोस्तों। फिर न्यू टैब बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ASRB, या मैं जो आपको लिंक दिया हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जो है आप उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ASRB की वेबसाइट पे, क्योंकि आपको वहाँ पे लास्ट में अपलोड करना पड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरा जो है ये हाईलाइट हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हाईलाइट हो रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्म खुल चुका है। अब फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी था, डेट ऑफ बर्थ था, फिर डाल के आपको लॉग इन करना है। दोस्तों जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको, अपलोड पेमेंट डिटेल्स,
फिर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपका देख सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी आपका यहाँ रहेगा। ये आपको क्या करना है, जो आपको स्लिप मिली है उसमें आपको ट्रांजेक्शन आईडी मिली होगी। ट्रांजेक्शन आईडी मिलने के बाद आपको दोस्तों आप जो आप पेमेंट किए हैं, जैसे अपना मैं 250 के, तो मैं यहाँ पे 250 एंटर कर दूंगा, यहाँ पे 250 एंटर कर दूंगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछता है कि डेट ऑफ सबमिशन, जैसे अगर आप आज पेमेंट करते हैं तो आज का डेट यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है, जो भी आज का डेट हो यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। जैसे कि आज है 27 मार्च, तो यहाँ पे आपको 27 मार्च 2023 पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जो PDF डाउनलोड हुआ है उसकी साइज जो है 500 KB से ज़्यादा है, तो आपको उसको रिसाइज कर लेना है। फिर आपको यहाँ चूज फाइल वाले पे बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपके जो गैलरी में जहाँ भी वो सेव हुआ है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल तौर पर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा अगर मान लीजिए ये है, तो उसके बाद यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन आईडी डाल देता हूँ, दोस्तों अब मुझे तो ट्रांजेक्शन अभी मैं पेमेंट नहीं किया हूँ तो इसको पता नहीं है। अब फिर आपको क्या करना है दोस्तों, ये अपलोड करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट हो जाएगा आप उसका जो है प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा अपने अप्लीकेशन फॉर्म का और रख लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको कुछ इसमें समझ नहीं आता है तो आप तुरंत हमको मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।